हिंदपीढ़ी में कोरोना संक्रमित का एक और मरीज मिला है। झारखंड में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 107 हो गई है अब तक के रिपोर्ट के अनुसार। झारखंड की राजधानी रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र से बुधवार को कोरोना संक्रमित का एक और मरीज मिला। इसके साथ ही झारखंड में अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार 107 मरीज हो गए हैं। अगली खबर बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के चलते फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री, पर्यटक को वापस गृह भेजने के लिए विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। नोडल अधिकारी प्रतिनियुक्त करने का भी आदेश दिया गया है। राज्यों के आपसी सहमति के आधार पर ही सैनिटाइज बसों से भेजा जा सकेगा। तो वहीं झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने केंद्र सरकार के इस बड़ी पहल का स्वागत किया है। सीएम ने छात्र व मजदूरों को घर लाने सहित विभिन्न समस्याओं के निदान का दिलाया भरोसा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संथाल परगना के सांसदों और विधायकों से COVID-19 संक्रमण से बचाव और देशव्यापी पूर्णबंदी, लॉकडाउन से उपजे हालात एवं इस जंग को जीतने के उपाय पर चर्चा की। आश्वस्त किया कि समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा, तो साथ ही राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ प्रयासरत है। कोरोना संकट ने हमारे समक्ष जहां स्वास्थ्य को चुनौती पेश की है, वहीं यह हमें जीने की नई राह भी दिखा रहा है। बड़े बड़े बच्चे तक इस संक्रमण काल में अब नव विचारों की ओर बढ़ रहे हैं। गुमला के एक बच्चे ने करेंसी सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया है, जिसके बनाने का महज खर्चा 1500 रुपया ही आया है। मुख्यमंत्री ने किया अभिनेता इमरान खान के निधन पर शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभिनेता इमरान खान के निधन पर शोक व्यक्त किया। अगली खबर मौसम विभाग को लेकर के है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड के कई जिलों में तत्कालिक मौसम विभाग के तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के तत्कालिक चेतावनी में रांची, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, गढ़वा में मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात होने की आशंकाएं जताई गई है। हेमंत सोरेन सरकार ने दी निगम को 11 करोड़ रुपए की मदद। राजधानी के कोरोना संकट को देखते हुए हेमंत सोरेन की सरकार ने आदेश के बाद नगर निगम विभाग को 11 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है। यह मदद 3 श्रेणियों में दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यह राशि दी गई है। रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिंह एम्स भटिंडा में करेंगे ज्वाइन। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह एम्स भटिंडा में ज्वाइन करेंगे, इसकी सूचना उन्होंने राज्य सरकार को दे दी है। राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण केंद्र की पहल पर सहरसा के 15 मजदूरों को मिला है सहायता। राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण केंद्र द्वारा सहायक के लोगों को कोरोना से संबंधित हर तरह की समस्या का समाधान एवं सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना नियंत्रण केंद्र की COVID-19 से संबंधित किसी भी तरह की सहायता है तो टोल फ्री नंबर 181 पर संपर्क किया जा रहा है। धनबाद में सहरसा के 15 मजदूर मजदूरी का काम कर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से यही फंस गए थे। काम ना मिलने के कारण इनके समक्ष राशि और राशन की समस्या उत्पन्न हो गई। 181 पर कॉल कर अपनी समस्याओं से कोरोना नियंत्रण कक्ष को अवगत कराया, जिस पर नियंत्रण कक्ष द्वारा पहल करते हुए धनबाद आपूर्ति पदाधिकारी ने संज्ञान में लिया मामला और उन्हीं की मदद किया गया। संदिग्ध महिला की सूचना पर मचा हड़कंप, इलाके को किया गया सील। खबर चतरा जिला से है। चतरा शहर में उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब जिला प्रशासन को कोरोना संदिग्ध महिला की पहुँचने की सूचना मिली, जिसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन के अधिकारी स्वास्थ्य टीम के साथ संदिग्ध महिला के घर पहुंचे और उसके सैंपल लेकर के जांच के लिए रिम्स भेजवाया। महिला रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज करवाकर वापस चतरा लौटी थी। सैंपल लेने के बाद इलाके को पूरी तरह से सील कर जिला प्रशासन के द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। 4 IAS अधिकारियों को मिला प्रमोशन। झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों को पदोन्नत की है। बुधवार को इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्यसभा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत धनबाद, सरायकेला, खरसावां, दुमका की उपायुक्त को प्रमोशन दी गई है। सांसद की ओर से शहर को किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। कोरोना वायरस के बचाव को लेकर के चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह के सौजन्य से आज चतरा शहर में भी सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू किया गया है। शहर के सभी चौक चौराहों पर 22 वार्ड के सभी गली मोहल्ले में टैंकरों के माध्यम से घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। लालू प्रसाद के चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद सहित 23 स्वास्थ्य कर्मियों का रिपोर्ट आया है नेगेटिव, जो कि एक अच्छी खबर है। खबरों के मुताबिक लालू प्रसाद के चिकित्सक डॉक्टर उमेश कुमार सहित 23 अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। फिलहाल लालू यादव पर संक्रमण का खतरा नहीं है।
बाबूलाल मरांडी की पहल पर 9 राज्यों में फंसे 3852 प्रवासी मजदूरों तक पहुंचाई गई सहायता। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में लगातार गरीब जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों की सेवा में लगी है। प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत मोदी आहार, मोदी मिशन, मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंडवाश, साबुन को गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता प्रहरियों को भी किया गया सम्मानित। लोहरा किच स्थित हनुमान मंदिर में स्थानीय निवासियों एवं शिवाजी नगर के 100 सैनिकों के द्वारा रांची नगर निगम के 24 स्वच्छता प्रहरियों को भी फूलमाला से सम्मानित किया गया। खाद्य सामग्री, कोरोना बचाव किट, थर्मस आदि उपकरण वितरण किया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बूंदू में दहशत का माहौल पसरा, सन्नाटा। बूंदू के कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। कल तक जो राशन दुकानें खुली रहती थी अब सभी दुकानें बंद कर दिया गया है। चतरा सीमा पूरी तरह से सील, बाहरियों की एंट्री पर लगी रोक। झारखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नकेल कसने को लेकर के चतरा जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। जिले में वाहन चेकिंग अभियान तेजी करते हुए स्थानीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही दूसरे जिलों और राज्यों से चतरा में प्रवेश करने वालों की स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई है। इस बाबत उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ चतरा हजारीबाग बॉर्डर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया।